चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बोर्डेश्वर, आपका बोर्डेश्वर करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों फिर एक बार स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जिसको लेकर अलग अलग यूट्यूब चैनल पर डिस्कशन हो रहा है, और क्यों ना हो, होना भी चाहिए, क्योंकि जो भी अलग अलग यूट्यूब चैनल पर जो डिस्कशन हो रहा है वो सब कैंडिडेट के हित में ही हो रहा है, और वो अपने अपने तरीके से बच्चों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपना प्रिपरेशन आप जारी रखो। तो आज दोस्तों IBPS क्लर्क और IBPS PO 2021 का नोटिफिकेशन इस साल माने 2021 में वो एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, क्योंकि IBPS क्लरिकल का नोटिफिकेशन, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था लेकिन वो वहाँ से रिमूव कर दिया गया कुछ समय के लिए। PO का नोटिफिकेशन आएगा क्या, या फिर ये IBPS PO और क्लरिकल की जो एग्ज़ाम है ये CET थ्रू होगी क्या, या होगी ही नहीं, ऐसे सारे चीज़ों को लेकर के मैं इस वीडियो में दोस्तों आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और काफ़ी बच्चों के मन में ये मतलब कि ऐसे अलग अलग तरीके के सवाल आ रहे हैं कि एग्ज़ाम होगी नहीं होगी, होगी तो कब होगी, क्या CET थ्रू होगी क्या। तो दोस्तों ये बताने से पहले, आप अगर बोर्डेश्वर करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बोर्डेश्वर करियर एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, तो आपको आगे भी अलग अलग जो भी अपडेट होंगे एग्ज़ाम के बारे में वो आपको मतलब कि आप उसको देख पाएंगे, आप उसको सुन पाएंगे। दोस्तों बोर्डेश्वर करियर एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब करना, तो आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, PDF उसके मिलेंगे सारे। और बोर्डेश्वर करियर एकेडमी का ऐप भी दोस्तों डाउनलोड कर लेना। मित्रों तो चलिए, IBPS क्लर्क और PO 2021 को एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी बच्चों में चर्चा हो रही है, उसी के बारे में मैं आपसे अभी बात करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि IBPS क्लरिकल का नोटिफिकेशन ये पब्लिश हो चुका था और उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हुआ था, लेकिन क्योंकि कुछ समय के लिए वो वहाँ से निकाला गया, हटाया गया। उसका कारण ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी इस सिलसिले में बिठाई थी, जो कमेटी यह अपना मतलब कि वो सजेशन, या आप ऐसे कहो कि ये कमेटी इसलिए बिठाई गई थी कि भाई ये जो IBPS RRB की जो एग्ज़ाम है जैसे रीजनल लैंग्वेज में होती है, वैसे ही IBPS क्लरिकल की और PO की एग्ज़ाम ये रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में मतलब कि स्टडी करके एक रिपोर्ट उनको मतलब कि देनी थी। वो अब तक रिपोर्ट वो अब तक दी गई नहीं है, इसलिए दोस्तों वो नोटिफिकेशन अभी भी मतलब कि वो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। इसका मतलब दोस्तों, ये IBPS क्लरिकल 2021 और IBPS PO 2021 का एग्ज़ाम ये IBPS कंडक्ट कराएगा क्या, तो 100% दोस्तों ये एग्ज़ाम IBPS ही कंडक्ट कराएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कैलेंडर पब्लिश हो चुका है। और दोस्तों क्योंकि NRACET ये नेक्स्ट ईयर के शुरुआत से लागू होने वाली है, इसलिए ये IBPS PO और क्लरिकल 2021 की जो एग्ज़ाम है वो NRACET में नहीं होगा, वो IBPS ही कंडक्ट कराने वाला है। इसलिए आपके मन में कोई शंका इसके बारे में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आप बिंदास रहिए, ये एग्ज़ाम IBPS ही कंडक्ट कराएगा। हाँ, सिर्फ उसको थोड़ा सा डिले हो रहा है, इसलिए उसको इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और आप सबको पता है IBPS RRB क्लर्क और PO का जो एग्ज़ाम है प्रिलिमिनरी का, वो हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आया है,
मेंस के एग्जाम अभी होने जा रहे हैं दोस्तों, तो आप जो लोगों का जो कैंडिडेट का रिजल्ट आया है प्रिलिमिनरी का वो कॉन्सेंट्रेट करें मेंस एग्जाम के लिए दोस्तों, और जिनका नहीं आया है वो फिर एक बार जोर से प्रिपरेशन में लग जाए आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए दोस्तों। इसलिए बिल्कुल आपके मन में आप शंका मत रखिए, IBPS ही कंडक्ट कराने वाला है, NRACET नेक्स्ट ईयर शुरुआत से शुरू होने लागू होने वाली है, इसलिए वो अभी तो सवाल ही नहीं होता कि NRACET थ्रू ये IBPS क्लरिकल और PO का एग्जाम होगा दोस्तों। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और अपने प्रिपरेशन में बने रहे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों गुरुदेव करियर एकेडमी का आप सभी को पता है कि फाउंडेशन बैच भी हम लोगों ने अनाउंस कर दी है, जिसमें बेसिक टू एडवांस हम सारी चीज़ें पढ़ाने वाले हैं, आप उसको भी परचेस करके अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए दोस्तों। और बाकी अगर आपको कुछ डाउट है तो कभी भी बोर्डेज करियर एकेडमी को आप कॉल कीजिए, बोर्डेज करियर एकेडमी आपके लिए 24/7 अवेलेबल है दोस्तों। तो बिल्कुल आप चिंता मत करो, प्रिपरेशन में लग जाओ, पैनिक मत होना, पोस्टपोन हो रही है, आगे पीछे हो रहा है, लेकिन एग्जाम होगा, ये बिल्कुल तय है दोस्तों। तो चलिए यहीं पर रुक जाता हूँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।